अभी हम लोग हाईवे से मेन रोड से लेफ्ट की तरफ मुड़े हैं, जहाँ पे मैं आपको कैमरा दिखा रहा हूँ। ये जो नज़ारे दिखा रहा हूँ आप सब लोगों को, ये देवकोटा टोल कहलाता है। देवकोटा टोल बहुत ही फेमस और बहुत ही शानदार, देखिए बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, बहुत ही डेवलप एरिया है। यहाँ से चाइनीज लाइन जा सकते हैं, इस एरिया से होते हैं चाइनीज लाइन, ठीक है। ये देखिए कितना डेवलप एरिया है, श्री श्याम इम्पैक्स खुला है यहाँ पे। देखिए होलसेल में सब कुछ आपको, थर्मस वगैरह, राइस कुकर, ये सब मनी ऐसा है। ये जो देवगढ़ टोल है ये बहुत ही डेवलप एरिया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मारवाड़ी लोग है, मारवाड़ी लोग का एरिया है ये देवगढ़ टोल। देखिए इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा बड़ा दुकान, ये सब एरिया देवगढ़ टोल। तिरुपति इम्पैक्स है, ये भी एक शॉपिंग करने का ये देखिए लिखा है, तिरुपति इम्पैक्स देवकोटा टोल जयगांव। यहाँ से चाइनीज लाइन जाने का रास्ता था, अभी तो आप सबको तो मैंने दिखा दिया चाइनीज लाइन का दुर्दशा, द एंड हो चुका है चाइनीज लाइन। ये भी मारवाड़ी का बिल्डिंग है, सब एरिया जो है ना मारवाड़ी लोग रहते, इसके एरिया वेल डेवलप है, बहुत ही प्रोग्रेस है एरिया में, अच्छा अच्छा बिल्डिंग है, अच्छा अच्छा घर है, घर गाड़ी सब है इस जगह पे। और पहले जब चाइनीज लाइन ओपन था उस टाइम पे तो ये जगह और डेवलप था। और यहाँ सनराइज स्कूल जाने का रास्ता है, सनराइज मैं सीधा ऊपर की तरफ जाता हूँ, ठीक है। देख गाड़ी वगैरह ये सब हम लोग का देवगढ़ टोल है, जहाँ पे रहते हैं मारवाड़ी लोग रहते हैं। इसके लिए ये एरिया वेल डेवलप है, मैं तो इस एरिया को प्रोग्रेसिव एरिया और वेल डेवलप एरिया कहता हूँ। और सभी यहाँ के सुखी और संपन्न लोग हैं, देखिए बिल्डिंग वगैरह आकाश को छू रहे हैं सब, देखें बिल्डिंग वगैरह सभी आकाश को छू रहे थे दोस्तों। ये देवगढ़ टोल का नज़ारे छोटा सा है, लेकिन जो भी है अच्छा है। अन्ना भी गलियाँ देखी इस प्रकार से, बहुत बढ़िया सा है, ठीक है। ऐसे है नज़ारे हम लोग का जगह के एक देवकोटा टोल से। हाय 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 हाय, गुड मॉर्निंग टू माई ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल माई यूट्यूब फैमिली, सभी को तहे दिल से शुभ बिहानी और शुभ प्रभात मेरे तरफ से। और मैं देखे कहाँ पे हूँ, आपको मैं जो नज़ारे दिखा रहा था वहीं पे हूँ। यहाँ पे एक मस्जिद है, इसका नाम क्या है मालूम नहीं, ये देखिए मस्जिद, सीधा मस्जिद है ये, इसका नाम नहीं लिखा गया शायद, मस्जिद है। मस्जिद के सामने से मैं जा रहा हूँ, पता नहीं। ए सब्जी तो यहाँ होती मी, सब्जी वाला भैया देखिए हम लोग वहाँ पे आते हैं, यहाँ भी आते हैं। तो ये सब चाइनीज लाइन एरिया जब था, जब चालू में था कोविड से आगे, तो इसका नज़ारा कुछ और था। देखिए रास्ता सब खाली खाली है, चाइनीज लाइन तो थोड़ा डाइन हो चुका है, कोई गुंजाइश ही नहीं है फिर से डेवलप होने का चाइनीज लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साहा बिला लिखा है, देखिए साहा बिला, ऐसे ऐसे बिल्डिंग वगैरह बनाए गए, देखिए इतना बढ़िया बढ़िया ऐसा। तो दोस्तों क्या कहना इस लाइन का, अभी तो बिल्कुल ही चुपचाप साइलेंट और क्या कहते हैं पीसफुल एरिया हो चुका है देवगढ़ टोल। नहीं तो ये एरिया भी मार्केट से कम नहीं था, गाड़ी घोड़ा आने का मार्केट से कम नहीं था, इस प्रकार का एरिया हुआ करता था, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। देखिए ये बिल्डिंग वगैरह देखिए, ऐसा ऐसा बिल्डिंग है, देखिए ऐसा ऐसा बिल्डिंग, ऐसा ऐसा बिल्डिंग है, देखिए ठीक है, ऐसा टॉप का टॉप बिल्डिंग है हम लोग इस देवगढ़ टोल पे। अब हम लोग आ चुके हैं प्रगति टोल पर आ चुके हैं। इस रास्ते से नहीं जाऊंगा मैं, ये वाला रास्ते से जाऊंगा, सनराइज स्कूल का रास्ते से चल जाऊंगा। दुकान वगैरह थे आंटी लोग का, सुबह खुले। यहाँ पे एक रिचार्ज भी है, तो ये सब है नज़ारे। तो दोस्तों
क्या कहते हो? ठीक है, नज़ारे अच्छा है, नज़ारे सही, सब आप सब, आप सब लोगों के लिए, आप सब व्यूअर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थापा ब्लॉग्स। मैं कृष्णा थापा, और एक वीडियो और एक नया दिन और एक आपसे गुफ्तगू करने का दिन है, और बहुत अच्छा दिन है। इतना लंबा सा कुतुब मीनार टाइप का चर्च बनाया गया, पूरा ही चर्च है। यहाँ से प्रगति टोल है, और देखो टोल था प्रगति टोल, मास्क पहनने लिखा हुआ है। ये कह रहा था वो जो मैं पहले वाला जो सीन था वो देवगोला टोल था, जो अभी मैं चल रहा हूँ ये प्रगति टोल है। यहाँ से सीधा हम लोग एम बाज़ार निकलेंगे जहाँ पे मेन रोड है, उससे होते हुए मैं अपना घर की तरफ चला जाऊँगा। वो भी रास्ते में कुछ मिलता है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। और ये सब एरिया देखिए दोस्तों, बहुत वेल डेवलप एरिया है, वेल डेवलप एरिया हम लोग का, जगहों का मतलब रिचेस्ट एरिया है ये सब एरिया। ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल सुनसान है, उतना गाड़ी घोड़ा भी नहीं है, वो चाइनीज लाइन के चलते। ठीक है, इसके लिए ऐसा रास्ता है। ये है सनराइज स्कूल, ये है सनराइज स्कूल। देखिए आगे से गेट वेट सब बंद रहते हैं इन लोग का, इसे नहीं दिखा पाता हूँ आप लोगों को। स्कूल का गाड़ी सब आया, स्कूल वाले बच्चे लोग पहुँचाने लिए आए हुए हैं, ये होती है गाड़ी स्कूटी में। इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा क्राउड लग रहा है, तो इसके बाद में बिल्कुल भी क्राउड नहीं। यहाँ पे इतना सारा दुकान था ना, क्या बोलेंगे आप लोग दोस्तों, क्या बोलेंगे। ये एरिया इतना बड़ा बड़ा भैया है, बिल्डिंग भी बनी बनी रहा था, तो देखिए अभी ऐसा हो गया, बन ही रहा था सारा दिन। तो मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों, हम लोग जगहों का जो दशा पहले के हिसाब से अभी तो बहुत ही ख़राब ही चल रहा है टाइमिंग में। अब क्या पता, ये सब है नज़ारे हम लोग इसी जगहों में ही रहते हैं, इसलिए हम लोग को मालूम है जगहों का हालात क्या है बोलते। ठीक है, तो ये है प्रगति टोल, अब मैं पहुँच रहा हूँ एम बाज़ार। जो भी जानकारी जो भी दूसरे मिलेंगे हम मैं आपको साझा करते रहूँगा, जितना भी मेरे पास जानकारी है। तो आप सबसे मिलता हूँ मैं कहाँ पे, रास्ते पे। ठीक है, तब तक बने मेन रोड आ ही गया भैया। ये देखिए मेन रोड का, देखा मेन रोड आते ही क्या हालत है। देखिए स्कूल बच्चा लोग जा रहे, ये देखिए मेन रोड का नज़ारे ऐसा है, सुबह सुबह भी ऐसा बन रहा है। देखिए ये सब भूटान गाड़ी के चलते हो रहा है, सब भूटान गाड़ी के चलते, इतना बड़ा बड़ा लॉरी आते हैं देखिए। हाँ ऐसा नज़ारे, भैया का चाय स्टॉल है, विजय माता का नीचे ट्रीबियन टोल जाने का पानी टंकी जाने का रास्ता। ठीक है, देखिए कितना क्राउडेड है यहाँ पे, जितने भी लोग खड़े दिख रहे हैं सब लेबर लोग है, लेबर है, कोई मिस्त्री है, कोई मैसनर काम करते, कोई प्लम्बर है। और आपको घर पे नहीं मिलता तो आप यहाँ से आके उठा के ले जा सकते हैं। ये लोग हाजिरी में काम करते, चाहे एक दिन हो चाहे ठेके पे हो चाहे हाजिरी का दिन हो, ठीक है इस प्रकार से उठा के लेके जाते हैं यहाँ से दिल्ली को। ये है बेद व्यास नेपाली स्कूल, ये है बेद व्यास नेपाली स्कूल। इतना सारा भीड़, आदमी लोग बैठे हुए हैं, कोई खड़े हैं, एक कोई काम कर दिया बस, और जो लॉटरी दुकान में इतना भीड़ होती है। तो मैं पढ़ रहा हूँ आगे और आपसे मुलाकात होता है। रास्ता देखिए वैसे ही है जैसे छोड़ा गया था, यहाँ से भी देखिए रास्ता पूरा खराब है, पूरा खराब है। ये साउथ सिल, यहाँ फर्नीचर चेयर गोदरेज वगैरह मिलता है, सब बिल्कुल ये साउथ सिल का भाई साहब है। साउथ सिल हम लोग जगहों का नाम चिन चिन कार। देखिए ये नज़ारे, देखिए नज़ारे हम लोग व्यू पॉइंट हरबंदी मोनेस्ट्री का पहाड़ है, देखिए माउंटेन। ठीक है, छोटा सा पहाड़ है लेकिन बहुत हरियाली, और ऐसे मौसम पे कितना बढ़िया नज़र आते हैं घर वर। देखिए छोटा 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 सब बनाया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर नेपाली लोग रहते हैं, ठीक है गोर्खा जाति के लोग रहते हैं इस एरिया पर, और ये जो नेपाली लोग रहते हैं इस जगह को गैरी गांव कहते हैं। ठीक है, गैरी गांव, ये है झरना बस्ती, यहाँ पर दिखाया था ब्लॉक में झरना बस्ती।
थक गया भैया। चेयर्स दोस्तों, वन कप ऑफ चाय विद माय चिंटू, मेरे बेस्ट फ्रेंड चिंटू के साथ में। ठीक है, आज मैं गुप्त गुजर रहा हूँ, चिंटू के साथ चाय पी रहा हूँ, चाय का मजा ले रहा हूँ। आप लोग भी लीजिए दोस्तों, शायद आप लोग टाइम हो चुका होगा, शायद आप दफ्तर में जाने का टाइम हो चुके होंगे, आप पहले चाय ले चुके होंगे या आप लेने वाले होंगे। सबके लिए चेयर्स। घर का ही दुकान पे आप लोग तो क्या बताऊँ, वहाँ पे चाय पी रहा हूँ, थक गया थोड़ा सा, आज बहुत दूर तक गया मैं, वहीं जाके थोड़ा थोड़ा सा जो भी क्लिप है, जो भी क्लिप मेरे को मिला अच्छा लगा, दिखाने लायक रहा, वो सब मैंने दिखाया, देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग मन लगा के देख लीजिएगा, देखिए अच्छी प्रकार से, क्योंकि मैं अपना जयगाँव का कोना से कोना भाग दिखाना चाहता हूँ, हम लोग का जयगाँव कितना डेवलप है और होने वाला है इसके लिए। ठीक है, कि हम लोग का जयगाँव को एक आत्मसत कहता हूँ, हम लोग का जो जयगाँव है, हम लोग का जयगाँव उतना आदमी को मालूम नहीं है कि जयगाँव क्या चीज़ है। जयगाँव है हम लोग डोर्स एरिया, डोर्स बगान एरिया है जयगाँव, ठीक है, तो डोर्स एरिया कहलाता है हम लोग का जयगाँव। किंतु हम लोग का जयगाँव जो एरिया है खाली जयगाँव, वो आपको कभी एक भी चाय का पत्ता या बगान नहीं मिलेगा आपको, मालूम है ना। आप भी आइए, जो जयगाँव में रह चुके उसको तो मालूम है, वो जयगाँव में नहीं है, जो दूर दूर है उन्हें नहीं मालूम है, तो आप आइए आप देखिए जयगाँव जो भूटान बॉर्डर, हम लोग का प्यारा सा भूटान है, हम आमची भूटान है, उस भूटान का बॉर्डर से सटा हुआ एक देश है, एक प्रदेश है, एक छोटा सा सिटी है, उसको जयगाँव कहते हैं दोस्तों, जयगाँव। इसलिए हम सबको मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से दोस्तों, कि जयगाँव डोर्स एरिया है, छोटा सा डोर्स एरिया है। इसलिए मैं जब भी कहता हूँ ना वीडियो में कि हम डोर्स वाले हैं और डोर्स के लड़के हैं, और डोर्स के लड़के हमेशा कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं कहता हूँ। और जयगाँव ऐसा एरिया है, अभी उतना लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, जयगाँव का थोड़ा बाहरी तो गोपी मोहन हो गया, उधर से टी स्टेट चालू होता है, गोपी मोहन हो गया, मंगलबारे बीबारे, ठीक है, वहाँ से टी स्टेट चालू होता है, उससे आगे बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको देखा रास्ता का मैं सीन कितना दिखाया हूँ, बाजार का सीन कितना दिखाया हूँ, उड़ान गेट के सामने वाला का, जो बॉर्डर का ठीक सामने वाला सीन दिखाया हूँ, कितना भीड़ भाड़ कितना है, देखिए दोस्तों कितना है भीड़ भाड़ एरिया, आपको समझ में आता है, सिटी एरिया से भी बढ़कर भीड़ भाड़ लगता है मेरे वो एरिया, तो जो उड़ान गेट जो टच है ना, उड़ान गेट जो सीमाना लगाया उस साइड में देखिए, इतना सारा छोटा छोटा दुकान, इतना सारा छोटा छोटा फुटपाथ पे लोग, क्या बोला तो एक बार मैं चाहता हूँ, एक बार मैं नाइट का दूसरा दिखाऊंगा आपको, भूटानगिर सामने वाले का नाइट में भी देखिएगा कैसे हाल होता है, पहले से तो बहुत कम हुआ है, फिलहाल फिर भी उतना ही है, ठीक है, देखने पर ठीक ठाक लगता है, पहले पर तो क्या बोले, जब भूटान में आना जाना फ्री था, कुछ चेक वेक नहीं था, कुछ यही नहीं था, हम लोग कहाँ कहाँ जाते थे, खेलते थे, घूमते थे, तो नदी थे दूधे नदी पे हम फिश पकड़ते थे, मछली पकड़ते थे, वहीं पे मछली पकड़ के लामा लोग को वहीं पे बिक्री कर देते थे, तो इस प्रकार का माहौल होता था फुलझुनी भूटान में। अभी तो सब कुछ चेकिंग वेकिंग क्या क्या निकल चुका है, अभी देखिए मालूम है ना आप लोगों को, तो ये सब कहना था मेरे को, मेरा मन में था बात कहने के लिए, कह दिया अपना जयगाँव के बारे में, इसलिए जयगाँव बहुत ही अच्छा है, आप लोग आइएगा घूमने के लिए, अभी जयगाँव में बहुत सारा टूरिज्म प्लेस घूमने के लिए है, अभी आप आ सकते हैं, रिसोर्ट वगैरह है, हाईवे से है, और पहाड़ी में व्यू है, जयगाँव का व्यू है, और शंकर भगवान जी का मंदिर है, बुद्धा का स्टैचू है, ये सब आप घूमने को जरूर मिल जाए, और झरना का बाजार है, सुपर मार्केट है, बहु बाज़ार है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको मिल जाए, और ऊपर सबसे बेहतरीन क्या है दोस्तों, क्या है चिंटू, तुरसा नदी है, तुरसा नदी का व्यू देखेगा आपका मन मोह लेगा, वो आपको मन ही मोह लेगा, आपको मन ही चुरा लेगा हम लोग तुरसा नदी, ठीक है, उस नदी का व्यू, जो भी तो मेरा व्यू देख रहे होंगे, कृपया हम लोग का जयगाँव को आइए, हम लोग का जयगाँव बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा और आपको दिल जीतने वाला जयगाँव है, ठीक है, इतना कहना था, तो मिलते हैं आप यहाँ पर दोस्तों, चिंटू के साथ चिंटू का तो आप इधर हो जाएंगे, या ये पीजे चिंटू तो अपने घर पर रहेंगे आप और मैं, ठीक है, रास्ते पे, ठीक है, रास्ते बने रहेंगे।